दोस्तों रेवाड़ी भारत के हरियाणा राज्य का एक शहर है। ये अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह दिल्ली से दक्षिण पश्चिम हरियाणा में 82 किलोमीटर और गुड़गांव से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन भारत में महाभारत काल के दौरान रेवत नाम के एक राजा की एक बेटी थी जिसका नाम रेवती था। पिता उसे रीवा बुलाते थे और उसके नाम पर एक शहर रीवावाड़ी की स्थापना की। जब रीवा ने भगवान कृष्णा के बड़े भाई बलराम से शादी की तो राजा ने अपनी बेटी को शहर रीवावाड़ी दान कर दिया था। समय के चलते हुए रीवावाड़ी का नाम रेवाड़ी हो गया। इसी के दौरान आज लोग इसे रेवाड़ी के नाम से पुकारते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेन ट्रेक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हरियाणा के खूबसूरत शहर रेवाड़ी के बारे में जानने वाले, तब तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, रेवाड़ी अपने आप में बहुआयामी प्रतिभाओं, महान कलाकारों, कवियों, साहित्यकारों, सूरवीरों, धार्मिक स्थलों, प्रकृति सौंदर्य से ओतप्रोत दक्षिण हरियाणा का एक ऐसा स्थल है जहां पर आकर मन को सुकून और शांति का आभास होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, रेवाड़ी एक ऐतिहासिक शहर है। हालांकि यह शहर अपनी पुरानी छवि खोता जा रहा है। खाने के हिसाब से यहाँ की रेवाड़ियाँ बहुत ही मशहूर है और यहाँ पर भारत की सबसे पहली गौशाला सन 1882 में बनाई गई थी, जो कि राजा राव युधिष्ठर यादव द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, रेवाड़ी में विभिन्न प्रकार के उद्योग है, जिसमें से कुटीर उद्योग से लेकर छोटे पैमाने पर ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स उद्योग है। यदि दोस्तों रेवाड़ी में घूमने की बात करें तो यहाँ पर घूमने के लिए घंटेश्वर मंदिर, मस्जिद, लोको सेट रेवाड़ी, बाबा मोहनदास मंदिर, इसके अलावा खास जगह रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है। यह रेवाड़ी हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम भारत में एकमात्र जीवित स्टीम लोको सेट है और भारत के अंतिम बचे हुए स्टीम लोकोमोटिव में से कुछ ही है। आपको बताना चाहेंगे, 1893 में निर्मित यह लंबे समय तक उत्तर भारत में एकमात्र लोको सेट था और पेशावर से दिल्ली को जोड़ने वाले ट्रैक का एक हिस्सा था। दोस्तों इसके चलते हुए जब भारतीय रेलवे को नए युग के लोकोमोटिव मिलने लग गए तब से इसे ट्रैक से बाहर कर दिया और इसे आज एक म्यूजियम के रूप में बना दिया है। दोस्तों रेवाड़ी घूमने के साथ साथ खाने के स्वाद में भी अत्यंत मशहूर है। यहाँ पर छोले कुलचे, छोले भटूरे, कबाब, काजू कतली, रेवाड़ी की जलेबी, पानीपुरी और मूंग का हलवा आदि। यदि दोस्तों आप रेवाड़ी जाए तो यहाँ पर खाने के साथ साथ घूमने का भी आनंद जरूर लें। यदि दोस्तों रेवाड़ी के शॉपिंग मार्केट की बात करें तो यहाँ पर रेवाड़ी का प्राचीन मार्केट अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जूते, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट से बनी वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। दोस्तों आपको रेवाड़ी के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।